एक बढ़िया साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है 5 मिनट फॉर्मूला। इसमें तुम्हें सामने वालों को सोचने का मौका नहीं देना है। जल्दबाजी में इंसान कोई भी ऑप्शन चूज कर लेता है क्योंकि उसे सोचने का मौका नहीं मिलता। किसी चीज को खोने का डर इंसान के दिल पे हावी होता है तो वो उसे पाने का ऑप्शन ही चुनता है। 5 मिनट फॉर्मूला, लड़की से तुम्हारी पहली मुलाकात हो, दूसरी हो, तीसरी हो या तुम उससे रोज मिलते हो तो लड़की से बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। अपने बातचीत का ड्यूरेशन बहुत ही कम रखो, मुश्किल 5 मिनट बहुत होता है। और ये 5 मिनट ही नहीं, तुम्हें इससे भी कम बात करनी है। तुम्हें ज्यादा ध्यान उसकी बातों को सुनने में देना है। तुम लड़की के दीवाने हो जाते हो पर लड़की तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि साइकोलॉजिकल फंडा ये है, हम जिससे बात करते हैं अपने बारे में बहुत कुछ बता चुके होते हैं। जो हमारी बात सुनता है हमें उससे बात करने की आदत हो जाती है। तो बोलने से ज्यादा सुनने में ध्यान दो। लेकिन तुम तो लड़की से मुलाकात को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बात करते हो, बहुत सारी कहानी बनाकर जाते हो और उसे बड़े इंटरेस्ट से सुनाते हो। लेकिन गौर करो तो लड़की को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। गौर करो तो लड़की को वही बात समझ में आती है जो तुमने बात को खत्म करने के 5 सेकंड पहले बोला था। और तुम्हें यही 5 सेकंड मिलेंगे और तुम्हें इन्हीं 5 सेकंड में अपने शब्दों को ऐसे सजाकर बोलना है कि तुम लड़की के दिल को छू जाओ। बहुत लंबी लंबी कहानी मत सुनाओ। किसी चीज को बोलने के लिए या समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का सहारा मत लो। अपने शब्दों को, अपने लाइंस को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। अपनी बातों को शॉर्ट में समझाओ। लोग तुम्हें नेगेटिव इंसान या पॉजिटिव इंसान बस इस 5 सेकंड को सुनकर बोलते हैं। तुमने लास्ट में क्या कहा था? तुमने हाँ कहा तो तुम्हें पॉजिटिव इंसान और ना कहा तो तुम्हें नेगेटिव इंसान समझा जाता है। तुम्हें पूरी कहानी दिलचस्प नहीं बनानी है, बस तुम्हारी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारी बातों को गौर से सुने तो बातों के बीच बीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिसे वो समझ ना सके। जैसे हिंदी के प्योर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, गगन, वृक्ष, जल। उसका ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ लौट आएगा और लड़की इसी वजह से तुम्हारी बातों को याद किया करेगी। तुम पानी को जल बोलते हो, मिरर को आईना बोलते हो, हवा को पवन बोलते हो। 5 मिनट फॉर्मूला को बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी फॉर्मूले को बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मान लो तुम टीवी खरीदने जा रहे हो, दुकानदार कहता है ये लिमिटेड स्टॉक है, बड़ी ही अच्छी चीज है, कभी कभी मार्केट में आती है, मैंने 2 स्टॉक बुलाया था, बस 1 स्टॉक बचा है। अच्छी चीज को तुम खोना नहीं चाहते तो तुम उसे खरीद लेते हो। दुकानदार तो तुमसे ये भी कहता है कि आज इसका रेट कम है, हो सकता है कल इसका रेट बढ़ जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। लड़की पढ़ाने के साइकोलॉजिकल लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।